तो किशन जी, आपको पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आपसे जो पहला सवाल हम पूछेंगे, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। और हमारे इंडस्ट्री में आप दोनों की केमिस्ट्री को लेके काफी चर्चा है, तो पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेफिल्म डिजिटल मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, किशन राय का नमस्कार। एंड ठीक है, केमिस्ट्री तो हर एक के साथ होनी चाहिए, नहीं तो आप एक्टर कैसे कहलाएंगे? तो ये सबके साथ होता है। तो प्राची, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप जब किशन के साथ काम करते हो और जो ऑडियंस में जो चल रहा है आप लोगों के केमिस्ट्री को लेके, तो क्या फील कर रहे हो आप? इनके साथ मुझे काम करके सच में बहुत मज़ा आता है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दो फिल्मों में जो हमने काम किया। और सिर्फ ये ही नहीं, संचिता भी थी और भी काफ़ी और कास्ट भी थे, तो बहुत मज़ा आया था। और केमिस्ट्री की बात करें तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, सो मेरे लिए तो बहुत प्राउड फीलिंग है। अच्छा, तो आप लोगों ने अब तक कितनी फिल्में साथ में की हुई है? अभी तक हमने दो फिल्में साथ में की है, एक मेरे प्यार से मिला दे और पांच मेहरिया, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिया है। और फिल्में अभी जल्द ही आने वाली है और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों को देखने मिलेंगे। किशन जी, कुछ आप अपने किरदार के बारे में बताना चाहेंगे? किरदार ओपन तो नहीं करेंगे, सीधा ट्रेलर आएगा, आप लोग उसका आनंद लीजिएगा। पांच मेहरिया में इतनी सारी हीरोइन है जी, तो ज्यादा ध्यान किस पे है? जी, मेरा ध्यान तो सभी पे है। अभी आपको मैं क्या बताऊँ, नहीं तो पांच बीवी आती कहाँ से, ये बताइए। ये दो बीवी नहीं संभाली जाती, आप पांच पांच बीवी संभाली। एक्चुअली लक की बात होती है, इनका लक था पांच पांच, मुझे लगता है बहुत अच्छी मजा आया था। अच्छी, बहुत मजा आया था। दो बीवी की बात कर रहे हैं आप, एक बीवी नहीं संभाली जाती होगी बहुत लोगों को। उन्होंने पांच संभाला, पांच आप लोगों को देखना पड़ेगा, हाँ पांच कैसे संभाला है। एक्चुअली कैसे संभाला ये तो आप फिल्म देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। चार बीवियां कहाँ छोड़ के आए हैं? छोड़ के तो कहीं नहीं आए हैं, हम लोग आए नहीं है। सबको नहीं, हमने सबको इनविटेशन दिया, हाँ भाई सब लोग आ जाइए। एक्चुअली वो रास्ते में आ रही है, तो आप लोग ऐसे बने रहिए, लास्ट तक में आ जाएंगे। डिजिटल मीडिया में आप बने रहिए, वो आ रही है। ये जवाब ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस को बहकाने के लिए बता रहे हैं आप? नहीं, ऑडियंस से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उनसे ही हमें सबसे ज्यादा प्यार मिलता, तो हम उनको बहका नहीं सकते। पांच एक्ट्रेस रहती हैं, तो अलग अलग सबके साथ अलग तरीके से फेस करना रहता है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई न्यू कमर रहती है, तो आप उन चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे आपने फेस किया उसके बारे में? हर एक का एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड जैसे काम करते करते आपको पता चल जाता है कि किसके साथ कैसे टैकल करना है या कैसे घुलना मिलना है। बेसिकली आपका वो जो आप बोलते हैं केमिस्ट्री, वो क्या होता है, आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं सामने वाले को, तो आप अंडरस्टैंडिंग अगर बना लेते हैं तो काम करने में डिफिकल्टी नहीं होती। पांच एक्ट्रेस रहती, तो अलग अलग सीन के लिए, एक सीन के लिए अलग अलग बार बार शूट करना पड़ता है, वो कितना डिफिकल्ट रहा और वो कितना ईजी, क्या उसके बारे में? एक्चुअली जैसे इसको अगर आप देखेंगे ये फिल्म आएगी, तो मोस्टली सारे सीन्स में ना सब एक साथ है, तो एक्चुअली बहुत बड़ा ये टास्क होता था कि सबको मैनेज करके चलना है। एंड जो हमारे डायरेक्टर है धीरज ठाकुर जी, बहुत अच्छे से उन्होंने ये सब किया है, तो ज़्यादा तो मैं नहीं ओपन करूँगा, आप देखिएगा। अच्छा, तो जो गाने हैं, जितने कहीं ना कहीं पांच एक्ट्रेस थी आपके फिल्मों में, तो पाँचों के साथ मतलब आपका केमिस्ट्री उस फिल्म में कैसा था? ये सबके साथ बहुत अच्छा था। ओके, तो ये जो फिल्म है आपके, आपको कैसा लगा, मतलब काम करके इसमें आपको अच्छा लगा या आपको लगा कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा है, मुझे इस तरीके की आगे और फिल्में करनी चाहिए? जी डेफिनेटली, मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके। एंड मैं चाहूँगा कि इस अच्छी, मतलब इस तरह की अच्छी पारिवारिक फिल्म और भी बने आगे। लेकिन एक ही एक्ट्रेस के साथ आप मीडिया में ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों, एक फिल्म के बाद? क्योंकि आप हाईलाइट कर रहे हैं इसीलिए। ये तो हमारा काम है। अच्छा, अभी तो अंदर की बात मैं बता नहीं रहा हूँ, फिल्म डिजिटल मीडिया वालों ने हम दोनों को ही बुलाया था। बाकी लोग रास्ते में, जैसा कि प्राची जी ने बताया। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए क्या कहेंगे जी? उनको तो लाइक आई विश कि मतलब बहुत अच्छे से फिल्म चले एंड बहुत अच्छा वो कमाए, बहुत अच्छा बिजनेस करे, डायरेक्टर का करियर भी बहुत आगे जाए, यही बोलूंगा। अच्छा, तो किशन जी, जैसे अभी आपकी जो मूवीज जितनी भी अभी हैं, आपने अब तक कितनी फिल्में की हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? सी बेसिकली चार फिल्में मेरी रिलीज्ड हैं, जिसमें मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर से स्टार्ट की थी, सेकेंड लीड किया, पैरेलल किया, अब जाके मैंने दो सोलो लीड फिल्में की है जो अभी हाल ही में मतलब होने वाली है।
अच्छा, तो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किस एक्ट्रेस को ऐसे देखते हैं कि यार इनके साथ फिल्म करने की इच्छा है मेरी? जी, मुझे प्राची सिंह के साथ बहुत अच्छा है फिल्म करने। अच्छा, वो साथ में इसलिए आप बोल रहे हैं या फिर मतलब? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने दो फिल्में की हुई है इनके साथ। अच्छा, तो जैसे एक होता है एक एक्टर को दूसरे एक्टर भी पसंद होते हैं, तो आपका पसंदीदा एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन है? वैसे तो पवन सिंह मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में दीपिका। बॉलीवुड में दीपिका पसंद है और भोजपुरी में पवन सिंह जी। अच्छा, तो पवन सिंह में आपको क्या उनका, जैसे मैम ने अभी बताया कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओके, नहीं सही भी बात है, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो अभी आपकी जो मूवीज़ है वो कब तक रिलीज़ हो रही है, कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? जी, बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी, दोनों फिल्में हमारी रिलीज़ होने वाली आगे पीछे। ओके, तो एक सवाल मेरा और रह गया था, पांच मेहरिया को लेकर। इन्हें तो लॉकडाउन में अगर पांच मेहर सच में रियलिटी में अगर रहते हैं, ऐसा इमेजिनेशन करें, तो कैसे हैंडल करेंगे? जी, बहुत मजा आएगा। आप लोग इमेजिन कीजिए, कभी बोर नहीं होंगे आप। एक बीवी नहीं, पांच पांच बीवी है, कितना मजा आएगा आप सोचिए। इन द सेंस आपके सपने में कभी पांच मेयर आए और लॉकडाउन रहे, बस एक साथ पांचों ना आ जाए, वो दिक्कत हो जाएगा। बारी बारी करके बहुत मजा आएगा। उसके लिए घर बड़ा रहना चाहिए। जी जी जी, पांच पांच बेडरूम होना चाहिए, एक गेस्ट रूम भी होना चाहिए, कोई छठवी आई तो उसके। और आपके लिए यही सवाल है कि अगर पांच ऐसे मतलब रहे हैं साथ में, एक ही हस्बैंड रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे इन द लॉकडाउन रहे, ऐसे आप इमेजिनेशन करें तो? मुझे लगता है वहाँ पे फाइट हो जाएगी पक्का, एक दूसरे का शायद सर्वर पोर्ट देंगे एक दूसरे का, क्योंकि लड़कियां तो जेलेसी होती है, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे पांचों हो पाएंगी फिट। ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर, अभी पांच मेहरिया आने वाली है? बहुत अच्छी फिल्म है, मेरी फेवरेट है, तो अब आप सोच लीजिए। तो प्लीज़ जब भी आएगी आप लोग बहुत सारा अपना प्यार दीजिएगा। अब सभी लोग अपने परिवार के साथ जाइए थिएटरों में, इस फिल्म को देखिए, बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है, अपना प्यार दीजिए, एंड यही दुआ करूँगा कि हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।